What's up guys, good morning and welcome back to my channel Diary Girl Vishakha. अगर सुबह की चाय आप मेरे साथ पी रहे हो तो cheers. तो जिन लोगों को नहीं पता है, अपना आई का ऑपरेशन हो गया है, नंबर करेक्शन हो गया है, 6x6 विजन क्लियर हो गया है. दिस इज माय थर्ड डे आफ्टर द ऑपरेशन एंड मैं मस्त एकदम फिट एंड फाइन हो गई हूं. ऐसे थोड़ा टाइम पहन के रखना है अपने को. चाय रोटी फॉर ब्रेकफास्ट. बाय, आई सी यू सून. यार फाउंडेशन और कंसीलर तो मिल गया है बट कॉम्पैक्ट मिला नहीं है. पिछले मैंने से ट्राई करी, कोशिश करी कि कॉम्पैक्ट मुझे मिल जाए बट मिल ही नहीं रहा है. अब दिल्ली एयरपोर्ट में अगर चांस मिला तो वहाँ पर देखेंगे कि मिलता है कि नहीं कॉम्पैक्ट. नहीं तो ऐसे ही बना मेकअप के. वल्लाह, तीन प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट मुझे मिल गया है. अब मुझे ढूंढना है और दो प्रोडक्ट. अब वो तो मैं यहाँ पर ढूंढने नहीं वाली क्योंकि मैक स्टोर जो एक ही है. अब नाउ द सेकंड थिंग दैट आई एम लुकिंग फॉर इज मेरा गेट दैट इज 40-41 इट्स स्ट्रेट. एक और चीज़ मुझे ढूंढ रही वो है चश्मे की दुकान, सनग्लास हट. ये रही बाजू में आगे, देयर यू गो. वन थिंग दैट आई वाज लुकिंग फॉर रोज गोल्ड एंड रेबैन में. आई एम ट्राइंग दूसरा वाला ग्लासेस आल्सो बिकॉज आई डोंट थिंक दिस सर्कल इज सूटिंग मी. इज दिस रोज गोल्ड टू? नो, आई वांट एसी सेम एनी अदर शेप. कैट आई वुड वर्क. आई थिंक द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी दैट आई स्पेंड इज योर सनग्लास हट में. जैसे ही मुझे दिख जाता है आई एंटर एंड आई एड आई कीप ऑन बाइंग शेड्स. मैं ऐसे सोचती हूँ कि सब जाके देखूंगी और फिर आई एंड अप बाइंग वन. कभी कभी ऐसा हो जाता है एक नहीं दो. जितने बार भी मैं आई हूँ दो तो शेड्स खरीद के गई हूँ. नाउ ऑल्सो दिस टाइम अभी मेरे को दो शेड्स पसंद आए हुए हैं एंड अभी तो हम शेड्स पहन सकते हैं. ऐसे कुछ नंबर वंबर का प्रॉब्लम है नहीं. आई एम डन वेयरिंग दिस प्लास्टिक. एक हफ्ता और पहनना है देन फिर इसको निकाल सकते हैं. बट वो एक हफ्ते बाद की मैं तैयारी कर रही हूँ. फोन अ फ्रेंड करने के बाद आई डिसाइडेड टू बाई दिस वन. एक्चुअली मैं नहीं, मम्मी ने बोला जो था तेरे पास वही ले ले. अब मेरी से प्रॉब्लम क्या होता है ना, मेरी सारी चीज़ें घूम जाती है especially my chashma. अब जो घूम गया था उसी को ले लिया बिकॉज अभी ये अच्छा लग रहा है. दैट्स अबाउट इट. दिस इज व्हाट आई गॉट. फिलहाल हम कर रहे हैं एयरपोर्ट दर्शन और मैं ढूंढ रही हूँ एक परफेक्ट जगह जहाँ पर मैं बैठ के आराम से मेरा वीडियो एडिट कर सकती हूँ. तो मैंने कम से कम ऐसे दो तीन राउंड तो चक्कर मार ही लिए यहाँ पर कि कौन सी सीट पर बैठना चाहिए जहाँ पर कोई है नहीं, डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए अपने काम के टाइम पर. हाँ, मिल गई एक नंबर वाली जगह जहाँ पर आसपास में कोई नहीं डिस्टर्ब करने के लिए. अब वैसे मेरा मन तो कर रहा था कि स्टारबक्स जाके मतलब अपने आप को मैं ट्रीट दे रही. किस बात की ट्रीट? वैसे अपने आप को ट्रीट देने के लिए कोई रीज़न की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. और 41B में आते आते तीन चक्कर लगाते लगाते अच्छी वाली जगह ढूंढते ढूंढते मेरा तो हो गया काम. अब मैं थोड़ा सा डर भी लगा है. बाहर हो रही है बारिश. अब बारिश में होता है मौसम ख़राब. मौसम ख़राब होने से होता है टर्बुलेंस एंड टर्बुलेंस होता है तो मैंने ऐसे बहुत एक्सपीरियंस किए हुए हैं. फिंगर्स क्रॉस, आई जस्ट होप मौसम अच्छा रहे, आज से फ्लाइट टेक ऑफ करे, आज से फ्लाइट लैंड करे और बीच में भी सुकून जाती से मैं पहुँच जाऊँ. एक ऐसी मन की बात तुम लोग को बोली थी दैट यू नो व्हाट्स गुड, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, आई जस्ट लव माई जॉब. अभी मैं रियलाइज़ किया है कि घर से बाहर निकल के काफ़ी टाइम बाद कितना अच्छा लग रहा है एंड ट्रैवलिंग इज़ वॉट मेक्स मी हैप्पी. मानसून टाइम है, मैंने अभी तक अच्छी तरीके से इन्जॉय नहीं किया. बस एक और हफ्ता एंड देन तोड़ फोड़ वाली जो राइड है विल स्टार्ट. बस सही लग रहा है बाहर माहौल एंड स्पेशली व्हेन आई कैन सी एवरीथिंग सो क्लियरली. दूर दूर का मुझे दिखाई दे रहा है अभी, एक एक घर दिखाई दे रहा है. कुछ नहीं, एयरपोर्ट पर टाइम पास किया, दो तीन लोगों से वीडियो कॉल किया, टाइम कट गया, 11:30 हो गए. अभी आधे घंटे में फ्लाइट उठने वाली है, बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है. अच्छा टाइम चलेगा मेरा. अब मुझे इतनी नींद नहीं आ रही है बट आई एम प्रीटी श्योर मैं जब पहुंच जाऊंगी ना या तो फ्लाइट में बैठूंगी ना तो आने वाली अपनी को मस्त वाली नींद. अभी चश्मा पहन रही हूँ ना तो फॉग हो जा रहा है तो अभी अंदर जाके देखना पड़ेगा क्या जुगाड़ करे जहाँ पर मैं दोनों चीज़ पहन के रहूँ. जैसे सोचा था फ्लाइट में जो करने वाली हूँ दैट इज सोना. बस पूरी फ्लाइट में सोकर आई हूँ मैं. ट्रस्ट मी आई वाज ईटिंग ऑल्सो, तो कंपनी ने हमारा खाना वाना सब उसका ध्यान रखा था. वाइल ईटिंग ऑल्सो आई वाज स्लीपिंग. आँखों का ध्यान देना है, दिन में 4 बार आई टू पुट आई ड्रॉप्स, तो मैंने अभी आई ड्रॉप्स डाल दिए. बैग बाहर घूम रही होगी उसको बट सबसे पहले आई ड्रॉप्स चलते चलते डाल दूँगी. वो अभी आदत हो गई है मेरे को चलते फिरते चीज़ें करने की. बैग एंड गाड़ी ऑलमोस्ट आ गई अपनी. हैप्पी लाइक अ पपी. मैंने चेक इन कर लिया है. मैं रुकी हूँ ताज. वंस आई गॉट टू नो दैट इट्स अ व्लॉगर स्टेइंग इन द होटल, दे गिव मी वन ऑफ द बेस्ट रूम्स जहाँ से दिखाई देता है पूल. ओह
आई कांट वेट टू जंप इन द पूल आई रियली रियली वांट टू जंप इन द पूल बट वही कि स्विमिंग पूल में मैं जा नहीं सकती हूँ वैसे आई कैन गो एंड लाइक जस्ट चिल एंड रिलैक्स बट आई कांट लाइक डाइव 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 दिस इज हाउ माय रूम लुक्स लाइक एंड यू सी व्हाट इज देयर देयर इज अ बाथटब आई रियली मिस्ड होटल लाइफ क्योंकि इतने टाइम से मैं घर पे हूँ आई एम सो यूज्ड टू स्टेइंग इन अ होटल एंड नाउ दिस इज व्हाट आई गेट इट्स लाइक फ्रीडम फॉर मी मेरे से सांस लेने के लिए हो रहा है आई कैन ब्रीद आई फील सो गुड आई फील सो फ्री या देयर इज अ बाथटब पता नहीं लास्ट मैंने कब ऐसे होटल में चेक इन किया था एंड आई एंजॉयड अकेले फैमिली के साथ तो मैंने अभी काफी ट्रिप कर लिए बट अकेले जो दिस इज द बेस्ट डिसीजन आई थिंक आई टुक सो मैं तुम लोगों को बताया नहीं मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ मैं आई हूँ यहाँ पर बिकॉज यहाँ पर है हेलमेट लॉन्च एंड हमको इन्वाइट किया गया यहाँ पर एज अ गेस्ट इसीलिए ट्रेवल ऑल द वे फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली तो उनका हेलमेट कैसा है क्या है वो देखते हैं फिर तुम लोग को बताती हूँ फिलहाल आई एम जस्ट गोना चिल एंड एंजॉय माय गॉड लुक एट द स्काई लुक एट द क्लाउड्स प्लस यहाँ से मुझे ट्रेन भी दिखाई दे रही है वो देखो ट्रेन जा रही है तो जीवन में और क्या चाहिए बस इतना ही खुलती खिड़की तो और भी मजा आ जाएगा हाँ कसम अभी ये लोग मुझे बिगाड़ रहे हैं बहुत टाइम हो गया ऐसे अकेले चांदी से बैठकर कुछ चीज में एंजॉय कर रही हूँ वो ऑरेंज जूस ही क्यों ना हो आई थिंक आई नीड टू स्टार्ट माय ट्रैवल अगेन करना पड़ेगा कुछ तो मेरी शांति को लग गई है नजर थोड़ा पहले मैंने बोला था ना ऐसा मुझे टाइम नहीं मिलता है कि मैं सुकून से बैठी हूँ अच्छे से बैठी हूँ अब वो शांति को भंग करने के लिए आया मेरा दोस्त को आगे छोड़ा आती मिस किया कि नहीं ये फिर ऑफिस छोड़ के आया उधर चक्कर में मेरी शांति को ऐसे भंग करने के लिए आ गया यहाँ पर इसको ना यहाँ का चप्पा चप्पा पता है वाइद मेरे को बता रहा है यहाँ से एक मस्त जगह जाती है जहाँ पर जाके कहने एक्चुअली गो एंड चिल एंड सारे हॉल्स के इसका नाम पता है मतलब यहाँ पर झाड़ू पोछा लगाने आता था क्या रोज का यही काम था इसका इसके साथ मैं भी चाह रही हूँ झाड़ू पोछा लगाने हम एक्सप्लोर कर रहे हैं मतलब वापस चेंज हो गई क्या ना अभी होएगी वापस हो जाएगा हो जाएगी इसको इतना फुल कॉन्फिडेंस है कि इसकी नौकरी चेंज होने वाली है बाय द वे हम लोग कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं आसपास में ही अपना इवेंट यहाँ होने वाला है यहाँ होने वाला है हमारा इवेंट बहुत बड़ी समस्या ये है कि पहनूं तो क्या पहनूं मैंने दो ऑप्शंस लाए थे देखो अभी स्टेज पे जो इन्फ्लुएंसर है तो इन्फ्लुएंसर जैसे दिखना भी चाहिए दिस वाज वन माय फेवरेट आउटफिट जो मैंने पहना था विकास की शादी में अब दूसरा आउटफिट है ये वाला पिंक का लगा इट्स लाइक अ फॉर्मल ड्रेस तो अभी हम वही कर रहे हैं कि ये पहना जाए कि ये पहना जाए देखो ये पहनूंगी तो सबकी नजर फिर अपने ऊपर ही रहने वाली है ऐसे डिस्को वाइब्स दे रहा है बट अच्छा लग रहा है पर्सनल इस्त्री वाला भी है ये मेरा पर्सनल इस्त्री सामान पता है दो साल पहले वाला सामान भी कहाँ रखा है मुझे नहीं मिलता ना तो मैं विकास से कॉल करती हूँ हेलो विकास सामान कहाँ है विकास दिल्ली में बैठे बैठे बता दे कि मेरा सामान मेरे घर में कौन से ड्रॉअर में कहाँ रखा हुआ है कुछ नहीं कर सकते जो है वो है ओके ये पहन लिया हमें फाइनली थोड़ा सा फॉर्मल थोड़ा सा वेस्टर्न थोड़ा सा मैं थोड़ा सा तू वैसे मेकअप मुझे करना नहीं था तो मैंने कैसे हल्का फुल्का ऐसे मेकअप किया हुआ यहाँ पे टच नहीं करना है बट अभी ठीक है थोड़ा सा हटा रही हूँ कि आई ड्रॉप डाला था मैंने अब मैं पहनूंगी इसके ऊपर हमारा चश्मा वैसे ये शो चालू होने में तो थोड़ा टाइम है और मुझे सीट आगे की चाहिए थी बट दैट आगे की सीट इज रिजर्व तो ये वाली सीट है जो हमने ऐसे रिजर्व करके रखा है ट्रेन में कैसे अपन सामान छोड़ देना सीट पे वैसे मैंने अपनी बैग छोड़ दी है दैट यहाँ पर कोई बैठेगा नहीं और अगर ये बैग चोरी हुई तो अलावा शाम का टाइम हो गया है टाइम टू ड्राइंग समथिंग बट वो ड्रिंक्स हम लेट करेंगे जैसे हमने अपना स्टॉक खुद लेकर आया घर मैंने नहीं इसने अपना स्टॉक खुद लेकर आया मेरा स्टॉक आई एम गोना रिफिल इट फ्रॉम यूर बट अभी के लिए इट्स जस्ट कॉफी ताकि स्टेज पे जाके एंड मीट अंबिका अंबिका इज अ राइडर फ्रॉम जालंधर फील सो गुड इनको देखकर 45 इयर्स है मैम एंड शी राइड्स तो ऐसे ना इनको देखकर मेरे को इतना अच्छा लगता है दरअसल तो एज इज जस्ट अ नंबर है बच्चे ना सारे एज की लड़की लड़के सब चला सकते हैं बाइक जिनको नहीं आता है प्लीज जाओ सीखो बिकॉज द फीलिंग इज डिफरेंट यू विल फील फ्री आफ्टर राइडिंग अ बाइक और ऐसी वाली फीलिंग कोई और एक्टिविटी करने से नहीं आने वाली बिल्कुल Invite India's first female motor vlogger from Mumbai, holding 5 India Book of Records, known for her solo rides across the country, including Andaman and Lakshadweep Islands. She is full-time YouTuber creating travel content on all her social media. Please put your hands together and welcome on stage, rider girl Vishakha. Thank you.
सच्ची बताऊँ तो इससे धमाकेदार लॉन्च मैंने आज तक अपने लाइफ में कभी देखा नहीं है. दिस इज वन ऑफ द बेस्ट लॉन्चेस, स्पेशली पीपी की ज्यादा ना थी. सो मच विशाखा, थैंक यू. बूटी शेक रही, आप हिल भी नहीं रही है. बैठला बैठला ढूंढ पेज मिल रहा है क्या? गाइस मेरा जो इयररिंग्स है ना उसका पेज घूम गया है. बाय द वे बात ये है कि अभी हम लोग रूम में आ गए और हमने चेंज कर लिया, बट जो बैंड था मतलब मैंने चेंज कर लिया है. जो बैंड था ना और वो बैंड में जो बंदा था ना जो ताला बजा रहा था और टैबॉक्स क्लब बॉक्स माय गॉड वैसा ना वो प्यार तेरा प्यार मुझे खींचे तेरी. चलिए सरप्राइज है, मैं लेके आया था घर से. विकास को लोग खींच खींच के लेके जा रहे थे जो भी था. यू आर वेलकम विद मी, यू विल ऑलवेज एंजॉय. लोगों को यही पता नहीं भाई है सामने को इतना हॉट लड़का है वो मुझे देख रहा है ऐसे बजा रहा है और उसके बाद ऐसे बजा रहा है वो. ये था ना साथ में तो लोगों को लग रहा था पता नहीं कौन है क्या है, कबाब में हड्डी है, इसलिए अपना कुछ बात बन के. बट अपन चलते भी अपन अपन कबाब का अदरक है ठीक है ठीक है, जो कहीं भी फिक्स हो जाता है. हमें अभी जाना है नीचे देखने के लिए कि वो लोग क्या है. दोनों मिल जाए तो बकचोदी वैसी हो जाती है. You guys know it. Now we'll go and search for the तबला गाए. वो देखेगा ना ऐला बोलेगा मजा आ जाएगा. रात रानी लोग निकल गए वो प्यार तेरा प्यार करते करते. हम रात रानी थोड़ा अलग हो जाता है. नहीं रात रानी, रात रानी जो रात के रानी के राजा लोग हैं वो रात रानी नहीं. ओके बट नाइट राइडर्स. बोला अभी सो के क्या ही करने वाले है, आँखों में ड्रॉप डाल दिया मैंने. आँखों का चवनप्राश, अभी हम अपना चवनप्राश लेने जा रहे. अब हम पहुँच गए वहाँ पे ठीक है. एंड ये जगह मतलब इज सो नेक्स्ट टू द वर्ल्ड. हम लोग देख रहे की प्लेन यहाँ से ऊपर जा रही. रणवीर इज राइट हियर ब्रो. क्या मतलब किधर किधर को बड़े उधर तू पता होता ना तो मैं सूटकेस यहीं पे लेके आ जाता हूं. यही से सुबह से हां देखो छत से यहीं पे फेंक देता हूं ऊपर हवा में. अपने घर के बगल में यार सब कुछ ये फरीदाबाद से कितना 1 घंटा 40 मिनट. देखो देयर आर मल्टीपल चांसेस ना कि कल की फ्लाइट मेरी मिस हो जाए. बट हम करवा देंगे तू बोल. नहीं ऐसे नहीं, अगर ऐसे हुआ ना तो फिर बड़ी सी अपनी राइड थोड़ी डिले हो जाएगी. राइड के बारे में जाने मैंने तुमने कुछ सुना नहीं, हमने कुछ बोला नहीं, तो मैं फिलहाल एंजॉय कर रही हूँ व्यू का. सस्पेंस में डाल दिया. बस भी जाएगी अभी यहाँ से. क्या मतलब ट्रेन भी जा रही, एयरप्लेन भी यहाँ पर. क्या स्टूपिड चीज है यार. मतलब अपना बोट रह गई बस. अपना बोट अपन चलाएंगे, मुंबई से है ना, अपन बोट अपन चलाएंगे. बोट में पैरी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ. तो क्या था वो फागी क्या. अरे वो यार वो है ना क्या नाम है अपना टेररिस्ट वेन कैरियर कोरियर वाला.